हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में स्वागत है। आज मैं चांदी का पायल साफ़ करने का तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आमतौर पर हमें जब कहीं बाहर जाना होता है तो देखते हैं हमारी पायल बिछुए ये सब गंदे हैं और सुनार के पास जाने का समय नहीं होता है, तो हम घर में बहुत आसानी से किस तरह से चांदी के पायल को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल नीट नई ट्रिक है, इसमें एक बार ज़रूर देखें। तो इसके लिए देखिए, मैंने जो एक भगोना लिया है तो उसमें थोड़ी सी मैं डिटर्जेंट डाल रही हूँ, पानी में 2 गिलास पानी मैंने ले लिया है, गैस पे चढ़ा दिया है। और 1 चम्मच करीब देखिए मैंने चाय पत्ती ली है जिसे हम चाय बनाते हैं, और दोनों को अब हम मिला देंगे चम्मच से। मिलाने के बाद देखिए अब इसमें बॉयल आ गई है, अभी खौलने लगा है तो इसे एक बार फिर हिला देते हैं। अब जो गंदी पायल है उसे हम डाल देंगे इस तरह से। आप इस ट्रिक से आप जो चांदी की मूर्ति होती है, बिछुए होते हैं, चैन होती, जो भी चीज़ चांदी की कोई भी चीज़ हो, आप इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं बिना सुनार के पास जाए ही, और बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। देखिए इसमें करीब 10 मिनट तक इसे हमें इसी तरह से खोलते हुए छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुकी है, देखिए अब पायल जो है हमारी साफ़ होने लगी है। इसे देख लीजिए आप लोग, चम्मच से हम दिखा रहे हैं, अब देखिए मैंने गैस से निकाल लिया है, उतार लिया है बर्तन को। अब हम एक ठंडे पानी का बर्तन लेंगे इस तरह से, और ठंडे पानी में हम पायल को चम्मच की सहायता से निकालते हुए डालेंगे, हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि पानी हमारी बहुत गर्म है अभी। इस तरह से, और एक ब्रश लेंगे हम, कोई भी टूथब्रश जो पुरानी हो चुकी है और जो चाय पत्ती ये सब फंस गई है और गंदगी जो फंसी हुई है उसे धीरे धीरे ब्रश की सहायता से हम रगड़ के साफ़ कर लेंगे। इस तरह पायल हमारी बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगी, एकदम नई जैसी। हल्के हल्के हाथों से हम ब्रश से रगड़ेंगे कि मीना आदि जो पायल में होती हो ना निकले। दोनों पायल को हम उसी तरह रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, उल्टा सीधा दोनों साइड से। देखिए पायल हमारी एकदम साफ हो गई है, तो दूसरे पायल को भी हम उसी तरह साफ कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों पायल को रगड़ के साफ़ कर लिया है, और देखिए पायल को मैंने सुखा लिया है अच्छी तरह से तौलिए में पोंछ के। और अब मैं आपको पहले वाली गंदी पायल दिखाती हूँ, दोनों में कितना अंतर है। देखिए पहले वाली गंदी पायल है और साफ पायल, दोनों में कितनी अंतर आ गई है।